तो दोस्तों अब अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको शेक्सपियर की एक और ट्रेजेडी किंग लियर के बारे में बताऊंगा। ये शेक्सपियर की मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज में से एक है और एक ऐसे राजा की कहानी है जो कहानी की शुरुआत में अपनी चापलूसी सुनने का आदि होता है और अपनी बेटियों के द्वारा किए गए अपमान के बाद में उसे अकल आती है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको ढंग से समझाने वाला हूं, इसलिए हमको शायद वीडियो शुरू कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर, लेट्स बिगिन। देखिए सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस कहानी के मेन कैरेक्टर किंग लियर के बारे में बताऊंगा। ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और ब्रिटेन का एक बूढ़ा राजा है जो अपनी दो चापलूस बेटियां गोनरल और रीगन के बहकावे में आकर अपनी सारी संपत्ति उन दोनों को दे देता है। और इस चीज का हर्जाना, यानी कि ये जो गलती की है इसने, इस चीज का हर्जाना इसको कहानी के अंत तक, मतलब कि इसके पागलपन और मृत्यु तक उठाना पड़ता है। ठीक है, ये कैरेक्टर समझ में आ गया। अब दूसरे कैरेक्टर्स की बात करते हैं। अब देखिए, इस किंग लियर की तीन बेटियां हैं। पहले नंबर की बेटी का नाम है गोनरल। ये किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी है जो अपने पिता की संपत्ति की लालसा में उसकी चापलूसी करती है, यानी कि किंग लियर की ये चापलूसी करती है और आगे कहानी में तो ये किंग लियर की इंसल्ट तक कर देती है। किंग लियर की दूसरी बेटी का नाम है रीगन। बिचोली बेटी है ये, यानी कि बीच की बेटी है। इसका कैरेक्टर भी इसकी बड़ी बहन गोनरल जैसा ही है। ये भी अपनी बड़ी बहन गोनरल की तरह अपने पिता की चापलूसी करके उसकी बहुत सारी संपत्ति हड़प लेती है और कहानी में आगे अपने पिता किंग लियर की बेइज्जती करती है। अब दोस्तों किंग लियर की तीसरी बेटी है कॉर्डेलिया। ये किंग लियर की सबसे छोटी बेटी है जो अपने पिता से सच्चा प्रेम करती है और अपनी दो बड़ी बहनों गोनरल और रीगन की तरह पैसे के लिए अपने पिता की चापलूसी नहीं करना चाहती। अब दोस्तों हमारी कहानी के चार कैरेक्टर्स हमारे सामने आ चुके हैं, किंग लियर और उनकी तीन बेटियां। तीन में से दो बड़ी वाली बेटियां गोनरल और रीगन चापलूस है और कॉर्डेलिया जो है वो अपने पिता से सच्चा प्रेम करती है। अब हम दूसरे कैरेक्टर्स की बात करते हैं। देखिए इस कहानी में एक और कैरेक्टर मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, ग्लॉस्टर। ये ग्लॉस्टर किंग लियर का एक दरबारी है और किंग लियर के प्रति बहुत ही वफादार है। अब दोस्तों देखा जाए तो ये किंग लियर का दरबारी ग्लॉस्टर डिसीजंस लेने में कुछ हद तक किंग लियर की जैसा ही है। मतलब इसके भी दो बेटे हैं, एक जायज बेटा है एक नाजायज बेटा है, तो इन दोनों में ये अपने अच्छे और सच्चे बेटे को पहचानने में भूल कर देता है, जैसा कि किंग लियर अपनी बेटियों को पहचानने में भूल कर देता है। इस ग्लॉस्टर के जायज बेटे का नाम है एडगर और नाजायज बेटे का नाम है एडमंड। इस एडमंड को अपने नाजायज होने पे बहुत ही गुस्सा है और ये आगे कहानी में अपने भाई और अपने पिता के बीच में दरार डलवा देता है। और ये जो जायज बेटा है एडगर, ये कहानी में आगे चल के भिखारी बन जाता है, वो मैं बताऊंगा कैसे बनता है। अब दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक कैरेक्टर और बताऊंगा, कैंट। ये भी किंग लेयर का एक दरबारी है ग्लॉस्टर की तरह। इसको किंग लेयर गुस्से में अपने दरबार से भगा देता है लेकिन ये फिर भी वापस आता है भेस बदलकर अपना और किंग लेयर की सेवा करता है। देखिए दोस्तों इसके अलावा दो कैरेक्टर्स और याद कर लो, एल्बनी और क्राउनवेल। ये दोनों किंग लेयर की दो बड़ी बेटियों के हस्बैंड्स हैं। ये जो एल्बनी है ये लेयर की बड़ी बेटी गोनरेल का हस्बैंड है। ये बहुत ही काइंड आदमी है। इसको पसंद नहीं होता कि इसकी पत्नी अपने पिता किंग लेयर के साथ ऐसा सब कर रही है, जो आगे करेगी कहानी में पता चलेगा। और ये दूसरा जो क्राउनवेल है ये लेयर की बिचौली बेटी रीगन का हस्बैंड है और उसी की तरह शातिर भी है। ये लेयर की बेइज्जती पे बेइज्जती करता जाता है, वो सब आगे कहानी में हमें पता चलेगा। तो अब दोस्तों ये हो गए कहानी के कैरेक्टर्स, अब हम कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है ब्रिटेन के एक बूढ़े राजा किंग लेयर की। किंग लेयर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। वो अपना किंगडम अपनी तीनों बेटियों में बांटने का इरादा करता है ताकि वो अपने बुढ़ापे को आराम से बिना किसी काम के बोझ के, बिना किसी जिम्मेदारी के आराम से बिता पाए। तो अब किंग लियर ने क्या किया, एक सेरेमनी का आयोजन किया जिसमें वो अपने राज्य को अपनी तीनों बेटियों में बांटेगा। सेरेमनी बहुत बड़ी थी। इस सेरेमनी में लियर के बड़े बड़े दरबारी थे, जैसे उसका सबसे चहेता एडवाइजर कैंट, ग्लॉस्टर
और उसकी छोटी बेटी से शादी करने आए दो नौजवान बर्गुंडी और फ्रांस का राजा। तो ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे दरबारी उस पार्टी में, उस सेरेमनी में आए थे। अब दोस्तों इस सेरेमनी में किंग लियर को क्या करना चाहिए? तीनों बेटियों में अपनी संपत्ति बराबर बराबर बांट देनी चाहिए, लेकिन यहां पे किंग लियर ने ऐसा नहीं किया। किंग लियर ने इस सेरेमनी में एक शर्त रखी। किंग लियर ने शर्त रखी कि उसकी तीनों बेटियों में से जो बेटी उससे सबसे ज्यादा प्रेम करती होगी, उससे सबसे ज्यादा प्यार करती होगी, वो उसे अपनी संपत्ति में सबसे ज्यादा हिस्सा देगा। तो दोस्तों अब सेरेमनी में क्या होता है? सेरेमनी के दौरान किंग लियर की जो दो बड़ी बेटियां थी, गोनरल और रीगन, जो कि एक नंबर की चापलूस थी, उन दोनों ने अपने फादर के प्रति अपना झूठा प्यार दिखाया। उन्होंने अपने पिता किंग लियर से कहा कि वो उससे इतना प्यार करती है कि संसार में किसी और चीज से उतना प्यार नहीं करती जितना वो अपने पिता से करती है। तो किंग लियर खुश हो गए, ठीक है, लेकिन उसकी छोटी बेटी वो अपनी दो बड़ी चापलूस बहनों की तरह नहीं थी। उसने अपने पिता को कहा कि वो अपने पिता से, किंग लियर से उतना ही प्यार करती है जितना एक बेटी को करना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, किंग लियर को इस कहानी में शुरुआत में एक बहुत ही गंदी आदत है अपनी चापलूसी सुनने की। मतलब किंग लियर को ऐसे लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो बस उसकी तारीफ ही करते रहे। तो जब उसकी छोटी बेटी ने यह कहा कि मैं आपसे सिर्फ एक लिमिट तक प्यार करती हूं, ना कम ना ज्यादा, तो अब ये बात सुनकर के किंग लियर को आ गया गुस्सा। तो अब किंग लियर ने क्या किया, अपनी छोटी बेटी को गुस्से गुस्से में अपनी जायदाद से वंचित कर दिया, क्योंकि बेचारी ने चापलूसी नहीं की थी ना, सच बोला था। तो अब दोस्तों ये सब देख करके कॉर्डेलिया के साथ दो नौजवान शादी करने आए थे, मैंने आपको बताया था, बुरगुंडी और किंग ऑफ फ्रांस। तो अब इनमें से बुरगुंडी जो था, बर्गुंडी, ये कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए पीछे हट गया भाई। अब क्यों पीछे हट गया भाई? क्योंकि इसको अपने पिता का फॉर्च्यून तो मिल ही नहीं रहा, पैसा तो मिल ही नहीं रहा, तो ऐसी लड़की को क्या चाटेंगे, तो वो पीछे हट गया। लेकिन दूसरा जो लड़का था, किंग ऑफ फ्रांस, उसने कहा कि मैं कॉर्डेलिया से शादी करना चाहूंगा बिना किसी पैसे के। हाँ ये लड़का बढ़िया है, चलो ठीक है। तो ऐसे में अब दोस्तों यहां पे किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन किंग लियर उसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे कॉर्डेलिया को। तो ऐसे में किंग लियर के दरबार में एक दरबारी था कैंट नाम का, मैंने आपको बताया था ये कैंट इनका दरबारी है। ये दरबारी कैंट कॉर्डेलिया का बीच बचाव करने लगा। मतलब ये किंग लियर को कहने लगा कि महाराज आपने ये सही नहीं किया, मतलब अपनी बड़ी बेटियों, दो बड़ी बेटियों को तो आप इतना कुछ दे रहे हैं, लेकिन अपनी छोटी बेटी को कुछ क्यों नहीं दे रहे, वगैरह वगैरह। तो किंग लियर, मैंने आपको बोला था, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्टेड ज़्यादा आदमी है, वो बोलने लगा कि अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं राजा हूँ, मुझे सब पता है, मुझे क्या करना चाहिए, तू निकल यहाँ से। तो अब यहाँ पे किंग लियर कैंट से बोलता है कि आज के बाद तू मुझे अपनी शक्ल मत दिखा दियो, शक्ल तो छोड़, तू यहां पे दिखियो ही मत, तड़ीपार हो जाए यहां से, मतलब बैनिश कर देता है उसको वहां से। तो यहां पे किंग लियर ने कैंट को भगा दिया, क्योंकि कैंट जो है वो उसकी छोटी बेटी कॉर्डेलिया का पक्ष ले रहा था। अब आई होप यहां तक कहानी क्लियर है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों किंग लियर जो है उसने अपनी संपत्ति अपनी दोनों बड़ी बेटियों, जिन्होंने उसकी तारीफ की थी, उन दोनों में बांट दी और फ्री हो गया। वहीं छोटी वाली बेटी कॉर्डेलिया की शादी हुई किंग ऑफ फ्रांस के साथ, तो वो उसके साथ चली गई। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, किंग लियर इतना बड़ा राजा है, उसकी इतनी शाही आदतें हैं, वो शाही आदतें जाएं कैसे, कहां जाएं? उसने क्या किया, अपनी सारी संपत्ति अपनी दोनों बेटियों को देने के बावजूद अपने पास 100 नाइट्स यानी कि 100 योद्धा रख लिए, ताकि उसे अपने शाही पने का थोड़ा बहुत एहसास होता रहे कि हाँ मैं कभी राजा था या अभी राजा हूं। तो अब उसने यानी कि किंग लियर ने क्या फैसला किया कि अब वो बारी बारी से अपनी दोनों बेटियों के पास रहेगा, दोनों बेटियों और दामादों के पास रहेगा। उस बेचारे को तो ये बहुत उम्मीद थी कि उसकी दोनों बेटियां जो है उससे बहुत इज्जत करती है, बहुत प्यार करती है, वगैरह वगैरह। तो अभी आगे कहानी में पता चली जाएगा कितना प्यार करती है, कितना इज्जत करती है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस ग्लॉस्टर के बारे में।
देखिए, ये जो ग्लॉस्टर है मैंने आपको बताया था, ये किंग लियर का एक दरबारी है। तो अब इस ग्लॉस्टर के भी दो बेटे हैं, एडगर और एडमंड। तो अब मैंने आपको बताया था ये एडमंड जो है इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसको अपने इस नजायज वाले स्टेटस से जो है वो बहुत प्रॉब्लम है, और ये अपने भाई एडगर से बहुत जलता है क्योंकि वो ग्लॉस्टर का जायज बेटा है। इसलिए अब ये एडमंड क्या करता है, एक प्लानिंग करता है। वो अपने पिता को भड़काता है, ग्लॉस्टर को भड़काता है कि आपका जो जायज बेटा है एडगर, वो आपकी जान लेना चाहता है। वो धोखे से इसके कान भर रहा है ग्लॉस्टर के, वो कान भर रहा है कि एडगर आपकी जान लेना चाहता है वगैरह वगैरह। तो अपने बेटे एडमंड की ये बात सुनकर के ग्लॉस्टर भड़क जाता है, उसके बहकावे में आ जाता है और क्या करता है, एडगर को मरवाने का आदेश दे देता है। इसी के साथ साथ वो एडमंड को अपना जायज बेटा डिक्लेयर कर देता है। तो अब एडगर बेचारा क्या करे, वो वहां से भाग गया और एक कंट्री साइड वाले एरिया में चला गया और वहां पे नाम बदल करके रहने लग गया। तो अब दोस्तों ये इन तीनों बाप बेटों की कहानी हो गई छोटी सी। अब चलते हैं हम किंग लियर वाली कहानी पे। तो किंग लियर जो ये सोच रहा था कि उसकी जो बेटियां हैं वो उससे प्रेम करती है, उसकी इज्जत करती है, तो वो पहले वो क्या सोचा था कि बारी बारी वो अपनी बेटियों के साथ रहेगा। तो वो सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी गोनेरिल के साथ रहने गया। तो गोनेरिल उस सेरेमनी के वक्त तो अपने पिता से बहुत प्रेम दिखा रही थी, लेकिन अब वो थोड़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की होगी कि मेरे पिताजी मेरे साथ रहने आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने साथ वो 100 नाइट्स को क्यों लेके आ रहे, 100 योद्धा क्या जरूरत है। तो दोस्तों गोनेरिल ने क्या किया, अपने सारे नौकरों को कह दिया कि मेरे पिताजी यहाँ पे आ रहे हैं, उनके साथ कोई राजा जैसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है, एकदम आम आदमी की तरह पेश आना, उनके सामने एकदम आम आदमी की तरह बर्ताव करना। और दोस्तों इसी के साथ साथ ये जो कैंट है जिसको किंग लियर ने भगा दिया था, वो अब वापस से भेस बदल करके वापस आ गया किंग लियर की सर्विस में। किंग लियर ने उसको पहचाना नहीं कि ये वही कैंट है जिसको मैंने तड़ी पार कर दिया था, उसने तो अपनी सर्विस में उसको ले लिया। तो दोस्तों यहां पे गोनेरिल के घर में किंग लियर के साथ रूखा बर्ताव होता है, लेकिन किंग लियर सब कुछ बर्दाश्त करते जाते हैं, सब कुछ सहन करते जाते हैं। एक दिन गोनेरिल किंग लियर के पास आकर के बोलती है कि आपको अपने साथ 100 नाइट्स रखने की जरूरत क्या है, आप ऐसे कीजिए इनकी संख्या घटा करके आप इनको 50 कर दीजिए। तो अब इतना सब होते देख किंग लियर ने अपने आप को बहुत इंसल्टेड फील किया और अपनी बड़ी बेटी जो है गोनेरिल उसको बहुत कोसा कि तुम सेरेमनी के टाइम पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तो उसने फैसला किया कि अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा, मैं अपनी छोटी बेटी रीगन के साथ रहने जा रहा हूं। तो किंग लियर अपनी बड़ी बेटी की हरकतों से तंग आकर के अपनी बिचौली बेटी रीगन के पास रहने गए, लेकिन किंग लियर के रीगन के पास पहुंचने से पहले ही गोनेरिल का लेटर रीगन के पास पहुंच चुका था कि पिताजी तुम्हारे पास आएंगे वगैरह वगैरह। तो अब दोस्तों किंग लियर जो है वो अपनी मंझली बेटी रीगन के पास गया, लेकिन रीगन तो यहाँ पे गोनेरिल से भी गई बीती थी। उसने तो कहा, उसने तो साफ साफ कह दिया कि अगर पिताजी आपको मेरे साथ रहना है तो मैं तो आपको 25 नाइट्स ही रखने दूंगी, गोनेरिल आपको 50 तो रखने दे रही है, मैं तो आपको 25 ही रखने दूंगी। तो किंग लियर ये सब सुन करके गुस्से में पागल हो जाता है कि मेरी बेटियाँ ये मेरे साथ कर क्या रही है। तो अब दोस्तों कहानी में क्या होता है कि ये जो क्राउनवेल है जो रीगन का हस्बैंड है, ये रीगन और गोनेरिल ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, ये ग्लॉस्टर का महल भी लॉक करवा देते हैं। ये कहते हैं कि अब तो किंग लियर को हम कहीं नहीं रहने देंगे कि जाओ जाकर के सड़कों पर भटको। मतलब पहले तो बुरा बर्ताव कर रहे थे, अब तो उन्होंने किंग लियर को घर से ही बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों अब ये जो कैंट है ये लियर के साथ भेस बदल कर रह रहा था, मैंने आपको बताया था, ये किंग लियर को जब घर से बाहर निकाल दिया जाता है तब इसके साथ नहीं होता, मतलब ये उस वक्त नहीं होता किंग लियर के साथ में, इसको एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। तो ये जैसे तैसे करके वहां से छूट करके भागता है और किंग लियर की तलाश में लग जाता है। तो किंग लियर की तलाश करते करते इस कैंट को एक जेंटलमैन मिलता है। वो जेंटलमैन इस कैंट को बताता है कि किंग लियर और उसके साथ एक बंदा और था, फूल, ठीक है, उन दोनों को उस जेंटलमैन ने देखा है। तो कैंट उस जेंटलमैन को उन दोनों का पता बताने के लिए धन्यवाद देता है और उसको अपना पर्स इनाम में देता है।
इसी के साथ साथ कैंट उसको अपनी रिंग देता है और कहता है कि मेरा एक काम और कर दो, कि ये जो रिंग है ये ले जा करके किंग लियर की छोटी बेटी कॉर्डिलिया को दिखाओ और कहो कि उनके फादर के साथ साथ क्या क्या अन्याय हुआ है। तो इतना कह करके कैंट वहां से चला जाता है। अब दोस्तों किंग लियर जो है वो वहां तूफान में भटक रहा है अपने एक फूल के साथ। तब कैंट ने उन दोनों को ढूंढ लिया और एक झोपड़ी में लेकर के आ गया। अब जिस झोपड़ी में ये तीनों जने आए हैं, किंग लियर, कैंट और फूल, ये तीनों जने जिस झोपड़ी में आए हैं ये किसकी है आपको पता है? एडगर की। जी हाँ, ग्लॉस्टर का जायज बेटा एडगर, जो एक नाम बदल करके यहाँ पे रह रहा है। ये एडगर यहाँ पे पुअर टॉम का नाम बदल करके इस जगह पे रह रहा है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था ये ग्लॉस्टर जो है ये भी किंग लियर का एक वफादार दरबारी है। तो इसने सोचा कि हमारे राजा किंग लियर कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे, तो इसने अपने बेटे एडमंड को कहा कि बेटा हमें अपने राजा की मदद करनी चाहिए, गुप्त रूप से ही सही लेकिन मदद करनी चाहिए। इसके अलावा ग्लॉस्टर एडमंड को बताता है कि उसे फ्रांस की फोर्स की तरफ से एक लेटर मिला है जिसमें इंग्लैंड पर आक्रमण करने की बात की गई है, मैं किंग लियर की मदद करने जा रहा हूं। लेकिन यहां पे ये सब बातें एडमंड को बताने का क्या फायदा, क्योंकि ये तो पक्का धोखेबाज आदमी है, ये तो अपने फादर को ग्लॉस्टर को धोखा देने वाला है दोस्तों। अब ये कैसे धोखा देगा ये सब मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताता हूं कि ये ग्लॉस्टर ये किंग लियर की हेल्प करने पहुंच गया। अब जिस जगह पे जिस झोंपड़ी में किंग लियर और कैंट रह रहे थे उस झोंपड़ी में वहां पे ये ग्लॉस्टर भी पहुंच गया किंग लियर की हेल्प करने के इरादे से। लेकिन इसे क्या पता कि ये जो झोंपड़ी जहां पे ये लोग रह रहे हैं ये इसके जायज बेटे एडगर की झोंपड़ी है। अब ग्लॉस्टर ने क्या किया, किंग लियर को और कैंट को वहां से एक सही जगह पर ले गया। अब दूसरी तरफ ग्लॉस्टर का नजायज बेटा एडमंड ये क्या चाल खेल रहा था, ये रीगन के हस्बैंड कॉर्नवेल के पास गया और उसे जाकर के अपने पिता के सारे प्लान के बारे में बता दिया, यानी कि ग्लॉस्टर के सारे प्लान के बारे में बता दिया। उसने कॉर्नवेल को बताया कि मेरे पिताजी जो हैं ग्लॉस्टर वो सीक्रेटली किंग लियर और फ्रांस की फोर्स की मदद कर रहे हैं, और उसने ये भी बताया कि मेरे पिताजी को फ्रांस की फोर्स की तरफ से कोई लेटर वगैरह मिला है। अब ये सब जानकारी देने के बदले में कॉर्नवेल ने एडमंड को एरल ऑफ ग्लॉस्टर बना दिया, यानी कि उसके पिता की गद्दी पर उसको बैठा दिया। वहां दूसरी तरफ ग्लॉस्टर ने कैंट को कहा कि तुम किंग लेयर को ले करके फटाफट डोवर की तरफ चले जाओ, क्योंकि वहां पे महाराज की छोटी बेटी कॉर्डिलिया जो है वो फ्रांस की फोर्स लेकर के पहुंच चुकी है, अगर तुम जल्दी फटाफट किंग लेयर को लेकर के वहां पे नहीं गए तो किंग लेयर की दो बेटियां और उनके दामाद मिलकर के उनको मार देंगे। अब दोस्तों कॉर्डिलिया जब अपनी फोर्स लेकर के डोवर पहुंच चुकी है अपने पिता को बचाने के लिए, तो ये खबर महल तक पहुंची और महल में इस वक्त अभी कौन बैठा हुआ है, कॉर्नवेल। ये कॉर्नवेल कौन है, रीगन का हस्बैंड, ये इसी की तरह लालची है, मैंने आपको बताया था। तो इसने क्या किया, कुछ आदमी ग्लॉस्टर को पकड़ने के लिए भेजे कि सबसे पहले इस धोखेबाज ग्लॉस्टर को तो पकड़ करके लाओ, और गोनरल और एडमंड इन दोनों को इसने क्या किया, एल्बनी के पास भेजा, इसका जो साड़ू था इसके पास भेजा ये बताने के लिए कि फ्रांस की आर्मी आ चुकी है और तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो गोनरल कॉर्नवेल के कहने पर उससे मदद मांगने गई, लेकिन उसने मदद करने से इनकार कर दिया, एल्बनी ने मदद करने से इनकार कर दिया। उल्टा उसने अपनी पत्नी गोनरल को कहा कि तुम जो अपने पिता के साथ कर रही हो वो बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ वहां ग्लॉस्टर को पकड़ लिया गया, मैंने आपको बताया इसको भी पकड़ने के लिए भेजा है इसने आदमी, कुछ आदमी भेजे हैं इसको पकड़ने के लिए, तो इसको पकड़ लिया गया और इसको कॉर्नवेल के सामने हाजिर किया गया। अब मंझली बेटी रीगन और कॉर्नवेल ने, उसके पति कॉर्नवेल ने मिलकर के क्या किया, इस बेचारे की आंखें निकलवा दी ग्लॉस्टर की और उसे महल के बाहर फेंकवा दिया। तब उस ग्लॉस्टर पे कुछ दो नौकरों ने दया दिखाई और उसे अब उसके जायज बेटे एडगर के पास उसे ढूंढने के लिए कोशिश की,
जो अपना टॉम नाम बदल के रह रहा था, पुअर टॉम, मैंने आपको बताया था। तो ग्लॉस्टर और टॉम कैसे ना कैसे करके मिल ही गए, लेकिन ग्लॉस्टर को अभी भी पता नहीं है ये मेरा बेटा एडगर ही है। अब वहां दूसरी तरफ गोनरिल अपने हस्बैंड एल्बनी को मनाने में लगी हुई है कि तुम्हें कॉर्नवेल की मदद करनी चाहिए, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। उसी वक्त वहां पे एक न्यूज आती है कि कॉर्नवेल जो है उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि एक सर्वेंट ने उसे घायल कर दिया था और उस वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। अब दोस्तों, इस कॉर्नवेल की डेथ के बाद में ब्रिटेन की आर्मी का सर्वे सर्वा कौन बन गया था? एडमंड, क्योंकि एल्बनी ने तो मदद करने से इनकार कर दिया था। अब एक ही लायक आदमी बचा, वो था एडमंड। अब दोस्तों, ये एडमंड जो है ये भी एक तगड़ा खिलाड़ी है, ये कम मत समझना इसको। मतलब ये किंग लेयर की दोनों बड़ी बेटियां हैं ना, जो चापलूस बेटियां, वो दोनों इस एडमंड को पसंद करती है, जबकि वो दोनों शादीशुदा है, लेकिन फिर भी इस एडमंड को पसंद करती है। और ये एडमंड जो है ये इन दोनों को ही धोखा दे रहा है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि कॉर्नवेल की अभी अभी डेथ हुई है और ये कॉर्नवेल रीगन का हस्बैंड था, तो कॉर्नवेल की अभी अभी डेथ हो गई। तो अब इस रीगन का क्या विचार है कि ये जो है अब विधवा हो चुकी है, तो इसे एडमंड से शादी कर लेनी चाहिए। और इसकी बड़ी बहन गोनरिल जो है ये भी एडमंड से शादी करने के लिए अपने पति एल्बनी को मारने की साजिश कर रही है। मतलब किंग लियर ने अपनी इन दोनों बेटियों पर भरोसा किया, जो ना अपने पिता की हुई ना अपने पतियों की हुई। वही दोस्तों, किंग लियर की तीसरी बेटी कॉर्डिलिया, उसके तो क्या कहने, वो तो बेचारी, उसका तो ये प्यार ही तो था अपने पिता किंग लियर के लिए, जो उसे वापस ब्रिटेन खींच लाया था। वो अपनी पूरी फोर्स के साथ में अपने फादर को बचाने के लिए आ गई थी, लेकिन किंग लेयर अपनी बेटी कॉर्डिलिया से मिलना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं था कि वो अभी भी उस पर गुस्सा है, लेकिन वो बेचारे अपनी बेटी कॉर्डिलिया से मिलने से शर्म महसूस कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कहानी की शुरुआत में किंग लेयर ने अपनी बेटी कॉर्डिलिया की बहुत बेइज्जती की थी, लेकिन कॉर्डिलिया को इस बात का गुस्सा नहीं है बिल्कुल भी। वो क्या करती है, अपने पिता की तलाश में एक अपनी एक टीम भेजती है, एक टुकड़ी भेजती है। तो कॉर्डिलिया की टीम किंग लेयर को ढूंढ लेती है और उसे फ्रेंच कैंप में ले आती है। किंग लेयर का वहां पे इलाज होता है। यहाँ पे किंग लेयर कॉर्डिलिया से माफी मांगते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया, तो कॉर्डिलिया बोलती है कोई बात नहीं। अब दोस्तों, ये सब हो गया इमोशनल सीन, अब चलते हैं युद्ध की तरफ। अब दोस्तों, ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्स में युद्ध हुआ। ब्रिटिश फोर्स का नेतृत्व कर रहा था एडमंड, ग्लॉस्टर का नजायज बेटा। बदकिस्मती से उस लड़ाई में फ्रेंच फोर्स यानी कि कॉर्डिलिया की फोर्स हार गई। लड़ाई के बाद में कॉर्डिलिया और किंग लेयर को पकड़ लिया गया और उन दोनों को जेल में भिजवा दिया गया। इसके साथ साथ एडमंड ने क्या किया, एक कैप्टन को ये कह करके भिजवाया कि कॉर्डिलिया को जो है, कॉर्डिलिया और किंग लेयर को, इन दोनों को जेल के अंदर ही मार दो। अब दोस्तों, इस कहानी का अंत आ चुका है। इस कहानी के अंत में क्या होता है, एडगर और एडमंड इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और एडमंड इस लड़ाई में हार जाता है और मर जाता है। लेकिन एडगर जो है ये अभी भी अपने पिता की नजर में यानी कि फादर ग्लॉस्टर की नजर में अभी भी टॉम बना हुआ है। अब वक्त आ गया है कि ये अपना सच अपने फादर ग्लॉस्टर को बताए। ये ग्लॉस्टर को बताता है कि मैं टॉम नहीं, आपका बेटा एडगर हूं। अब ग्लॉस्टर भी बेचारा मरने वाला है, तो वो खुश भी है, अंदर से दुखी भी है कि उसने अपने बेटे के साथ ऐसा सब किया, उस चीज के लिए दुखी था और अंदर से खुश भी था कि उसका जायज बेटा एडगर सही था। इसलिए अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था किंग लेयर की ये जो दो बड़ी बेटियां हैं गोनरिल और रीगन, ये दोनों ही एडमंड को पसंद करती थी, ठीक है। तो जब गोनरिल को ये पता चला कि रीगन जो है वो एडमंड से शादी करना चाहती है, तो गोनरिल ने रीगन को जहर दे करके मरवा दिया ताकि वो एडमंड को पा सके। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एडमंड भी मर चुका है, तो उसे बहुत दुख होता है और वो खुद को भी मार लेती है। तो यहां पे किंग लेयर की दो बड़ी चापलूस बेटियां मर चुकी है और यहां पे किंग लेयर का दामाद कॉर्नवेल भी मर चुका है, लेकिन बड़ा वाला दामाद एल्बनी अभी जिंदा है, क्योंकि ये अच्छा आदमी था ना, ठीक है। ये एडमंड जो है इसको एडगर ने मार दिया है।
लेकिन एडमंड मरने से पहले एक चीज कह करके गया कि उसने एक कैप्टन को कॉर्डिलिया और किंग लेयर को मारने के लिए भेजा है। तो एल्बनी ये बात सुन करके जल्दी बोलता है अपने सिपाहियों को, जाओ और जा करके उस कैप्टन को रोको, कहीं वो कॉर्डिलिया और किंग लेयर को मार ना दे। लेकिन जब तक उसके सिपाही वहां तक पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जब एल्बनी के सिपाही वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि किंग लेयर के हाथ में उसकी बेटी कॉर्डिलिया की बॉडी थी और किंग लेयर पागल सा रो रहा था। वो कहता है कि उसने कैप्टन को तो मार दिया लेकिन कॉर्डिलिया को बचा नहीं पाया, और इसी दुख में ऑन द स्पॉट किंग लेयर की भी डेथ हो जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों कैंट भी इस कहानी में मर जाता है। एंड में सिर्फ दो बंदे बचते हैं, बड़ी वाली बेटी गोनरेल का हस्बैंड एल्बनी और एडगर, जो कि ग्लॉस्टर का जायज बेटा था। और इस कहानी के अंत में एल्बनी आगे चल करके ब्रिटेन का राजा बनता है, और यहीं पे हमारी कहानी किंग लेयर खत्म होती है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो मैं हमेशा कहता हूं इस कहानी को थोड़ा टाइम रुक करके वापस देखना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।